रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट कंपैशनस। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 6 सेकंड ईयर क्लास एंड ड्रेस और टॉपिक इज रिलेटेड विद द सियासी जमातें यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। सो इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग वी हैव टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच इज इन्वॉल्व इन आवर गवर्नमेंट एंड एज वेल एज इन पाकिस्तान, स्पेशली पीपल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो द होल सेक्शंस वी हैव टू कंपेयर दिस वन एंड वी विल इंशाल्लाह टॉक अबाउट दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल पार्टीज की यानी सियासी जमातों की तारीफ क्या है, यानी इसकी तारीफ हम कैसे करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो तारीफ होती हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे अफराद और ऐसे इज्तिमा यानी अफराद का एक ऐसा मजमू जो एक मुनज़्ज़म तरीके की कोशिश करते हैं, यानी सियासी जमातों का एक मुनज़्ज़म इज्तिमा होता है जो सियासी ताकत हासिल करने के लिए सरगर्म हो और सियासी जमात की मुख्तलिफ तारीफ़ी हो देती हैं, यानी अफराद का एक ऐसा मुनज़्ज़म इज्तिमा जिसके ज़रिए वो अपनी सियासी ताकत हासिल करने के लिए कोशिश करती हैं। फिर इसके साथ साथ मुनज़्ज़म का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं तो मुनज़्ज़म में हम सियासी पार्टी में वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, यानी जिसमें पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वही पार्टी बहुत मजबूत और काबिल अमल होती है। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसा अफराद का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रुप जो सियासत में यानी सियासी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तगुदो करता है, जदोजहद करता है और अपनी ताकत के बलबोते पर यानी सियासी ताकत के बलबोते पर इक्तदार में आने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद इसकी दूसरी डिफिनीशन हम करते हैं कि सियासी जमात लोगों की एक मुनज़्ज़म कोशिश होती है जो एक ऐसा ग्रुप यानी ऐसे मुनज़्ज़म अफराद का एक ऐसा ग्रुप और इसकी एक मुनज़्ज़म कोशिश जिसके ज़रिए वो अपने प्रोग्रामों के बारे में, अपने नज़रियात के बारे में कोशिश करती है और इसके मुकाबले में आने वाले उम्मीदवारों के लिए या पार्टी के लिए वो ऐसा मजबूत निज़ाम कायम करते हैं जिसके ज़रिए वो इंतखाबात जीतने यानी इंतखाबात की सियासी ताकत के बलबूते पर वो क्या कर लेते हैं, इंतखाबात जीतने के लिए यानी सियासी ताकत हासिल करने के लिए वो इंतखाबात का सहारा लेते हैं। फिर इंतखाबात जीतने के लिए वो कोशिश करते हैं और जो पार्टी बरसर इक्तदार आ जाती है तो वो पार्टी अपने आवाम को जो इलेक्शन कैंपेन के मुताबिक जो वादे उन्होंने किए होते हैं उसी वादों की पाबंदी और पासदारी के लिए वो अपने उम्मीदवारों को और अपने ही आने वाले जो इसके जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने तमाम आवाम को वही मुनज़्ज़म तरीके से वो इंतखाबात जीते हैं और फिर सरकारी ताकत से सरकारी अहदों तक हासिल रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज यानी सियासी पार्टीज के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है यही, और फिर इसके बाद जब वो सियासी ताकत में आ जाते हैं, इंतखाबात में आ जाते हैं तो उसी इंतखाबात के बलबूते पर वो इंतखाबात जब जीतते हैं आवाम की उमंगों पर पूरा उतरते हैं, फिर वहाँ वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों के मुताबिक प्रोग्रामों और नज़रियात के मुताबिक वो इंतखाबात जीतने के बाद वो मुकम्मल तौर पर एक अपने सरकारी अहदों तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी इसके जो प्रोग्राम होते हैं इनके जो नज़रियात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसके जो पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं और इसके जो प्रोग्राम होते हैं जो तशुद्दा होती हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें पार्टी के आइन्स आ जाते हैं, पार्टी के कवानीन आ जाते हैं, इसमें इसके रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं कि किन किन तरीक़ों से वे मुनज़्ज़म इज्तिमाआत की शक्ल में वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मकबूलियत हासिल करने के लिए वो आवाम के दिल जीतते हैं और इसी के मुताबिक वो अपने वादों के बलबूते पर वो आवाम को अपने साथ अपनी तरफ राग़िब करने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ जो जमाती वादे होते हैं वो कवानीन होते हैं वो वक्तन फौतन तब्दील होते रहते हैं, यानी मुख्तलिफ पार्टी जो सियासी पार्टियाँ होती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के वादे कर लेते हैं आवाम से और उन्हीं वादों के बलबूते पर वो क्या करते हैं अपने मंशूर में कुछ ना कुछ चेंजेस या अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसी के मुताबिक वो क्या करते हैं अपने
अपने कवानीन को आवाम के लिए वक्तन फौक्तन तब्दील करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ यानी जिसमें जो मनज़म तरीके से मतलब होते हैं वो अगर उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं तो वो जुमा की बातों और प्रोग्रामों को कानून में तब्दील करेंगे। इसमें ये बात भी काबिल जिक्र होती है कि जो जुमाती यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने वादे जब आवाम से कर लेते हैं उसी आवाम के मुताबिक जब वो इंतखाबात जीतते हैं तो इन इंतखाबात के जीतने के साथ साथ वो क्या कर लेते हैं अपने आईन अपने मंशूर और अपने रूल्स रेगुलेशन को फिर जीतने की सूरत में कि जब वो सरकारी उहदों तक रसाई हासिल कर लेते हैं पार्लियामेंट असम्बलीज में पहुँच जाते हैं अपने टास्क को पूरा कर लेते हैं इसी के मुताबिक वही जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं वही आईन उन्होंने अपने पार्टी के लिए बनाए होते हैं वही मंशूर पर जो काम करते हैं इसी के मुताबिक वही जुमाती वादे और वही कवानी वो क्या कर लेते हैं हतमी शक्ल देने के लिए वो क्या करते हैं उसको तब्दील करते रहते हैं और इसी के मुताबिक वो जुमाती वादों और प्रोग्रामों को कानून में तब्दील कर लेते हैं यानी वही इंतखाबात जीतने के बाद यही कवानी क्या कर लेते हैं कवानीन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लेते हैं। इसी के साथ साथ जब हम पॉलिसी तरजीहात पर हम नज़र करते हैं तो उसी तरजीहात को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिसी प्रेफरेंसेस होती हैं हर एक पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती हैं हर एक मुल्क के अपनी पॉलिसीज होती हैं यानी अगर हम मुल्क पर बात कर लेते हैं तो इसकी पॉलिसी फार्मुलेशन अलग होती है। जैसे हम पॉलिसी फार्मुलेशन पॉलिसी प्रेफरेंसेस के नाम से भी याद कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो पॉलिसी तरजीहात पर मबनी होती हैं। तो याद रखें कि जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो नेशन टू नेशन होती हैं यानी आप मुल्क के बारे में मुल्क फिर इसके बाद आपकी कौमी फिर इसके बाद आपकी दूसरी ममालिक के साथ कौमी सतह पर यदि मुख्तलिफ नौइयत की बुनियाद पर जब मुल्क पॉलिसीज बनाते हैं तरजीहात उसको देते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसीज फार्मुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसीज प्रेफरेंसेस व्हाटएवर सो कॉल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज प्रेफरेंसेस और इसके जो नज़रियात होते हैं वो मुल्क के साथ जब वो इंटरनेशनल रिलेशन की बुनियाद पर पॉलिसीज बनाते हैं तो उसी के मुताबिक उस मुल्क के इंटरेस्ट को अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख कर बनाए जाते हैं यानी इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम पॉलिसीज को पढ़ लेते हैं इसकी तरजीहात को पढ़ लेते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये बात आ जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी दोस्त दूसरे मुल्क का न तो मुस्तकिल तौर पर दोस्त होता है न मुस्तकिल तौर पर दुश्मन होता है। वक्त के साथ साथ इसकी पॉलिसी की तरजीहात जो है ना वो तब्दील होती रहती हैं यानी पॉलिसी तरजीहात अगर हम अपनी कौमी सतह पर लेके आ जाते हैं अपने मुल्क के अंदर पार्टीज के अंदर आ जाते लेके आते हैं तो इसमें ये बात भी काबिल जिक्र होती है कि इसमें पॉलिसीज की जो तरजीहात होती हैं जो फार्मुलेशन होती हैं वो इस अंदाज में होती है कि हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज फार्मुलेशन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पीपल पार्टी की नज़रियात को हम पढ़ लेते हैं या अवामी नेशनल पार्टी की हम तरजीहात को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी किस तरीक़ों से उन्होंने पॉलिसी फार्मुलेशन की है और इसी के मुताबिक उन्होंने अपने थीरीज को और अपने नज़रियात को अवाम के सामने रख दिया फिर इसमें ये बात भी आ जाती है कि इसके साथ साथ इसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो वक्तन फ़ौक्तन तब्दील होती रहती हैं और वो अपने आईन के मुताबिक अपने कवानीन के मुताबिक उसकी जो पार्टी मंशूर होता है वो अवाम की तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए उसके अकायद और नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए तब्दील करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। इसकी दूसरी जो हम इसके बात कर लेते हैं कि सियासी जमात एक ऐसे लोगों के एक मुनज़्ज़म ग्रुप का नाम है जिसकी पॉलिसी तरजीहात और नज़रियात में यकसानियत हो यानी पॉलिटिकल पार्टीज में सियासी पार्टी में बतौर शमूलियत जब आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन के मुताबिक आप उसमें अपनी शमूलियत पार्टिसिपेशन कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपके नज़रियात होते हैं और आपके पॉलिसी तरजीहात होती हैं आपके जो नज़रियात होती हैं इसमें यकसानियत का होना ज़रूरी होता है यानी जब किसी पार्टी में उसके कारकुनान के दरमियान यकसानियत ना हो यानी उसकी जो थिंकिंग होती है उसकी जो पॉलिसी फार्मुलेशन होती है
उसमें जब मैचिंग ना हो तो फिर वो पॉलिसी जो जिस पार्टी के मुताबिक हम बात करते हैं फिर उसको हम मनज़म तरीके से हम उसको फार्मूलेट नहीं कर सकते, ना उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ना हम उसको वो नाम दे सकते हैं जो हम यहाँ पर मनज़म यानी ऑर्गेनाइज पार्टी के तौर पर हम उसको देते हैं। यानी सबसे बुनियादी चीज़ जब एक मनज़म अफराद का एक मनज़म इज्तिमा की शक्ल में ग्रुप की शक्ल में जब हम उसको ऑर्गेनाइज इज्तिमा का नाम देते हैं तो इसका ये मतलब लिया जाता है कि सबसे पहले वो सियासी ताकत हासिल करेगा, इंतखाबात जीतेगा, फिर अपने प्रोग्राम और नज़रियात को हतमी शक्ल देगा और फिर इस हतमी शक्ल की बुनियाद पर वो क्या करेगा, उसी बुनियाद पर वो जुमाती वादे यानी आवाम से जो किए हुए वादे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए होते हैं उनमें तरमीमी बुनियादों पर वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको आवाम के सामने रखेंगे और फिर अपनी पॉलिसी तरजीहात और नज़रियात की बुनियाद पर जब उस पार्टी में यकसानियत मौजूद होती है उसके जो वर्कर्स होते हैं को वर्कर्स होते हैं उसके जो लीडर्स होते हैं इसमें हम आहंगी होती हैं तो उसी की बुनियाद पर वो पॉलिसी फार्मूलेशन और फिर अपनी पॉलिसी प्रेफरेंसेस को ज़्यादा तरजीह देकर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से फ़ाल बनाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ सियासी जमात अफराद का वो मुनज़्ज़म ग्रोह है जो सियासी ताकत हासिल करे उसे इस्तेमाल करें। दूसरी पॉइंट इसमें ये बयान की जाती है कि एक तो हम सियासी ताकत हासिल कर लेते हैं, दूसरी बात इसमें ये बयान की जाती है कि सियासी ताकत हासिल करने के साथ साथ इसका यानी सियासी ताकत का इस्तेमाल भी है। मतलब ये कि द यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर्स यानी यूज ऑफ या यूजेज ऑफ पॉलिटिकल पावर्स जो आपकी सियासी जो ताकत होती है यानी सियासी ताकत को हम अपनी पार्टी में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये वही जिसके नज़रियात एक यकसा होते हैं जिसकी पॉलिसी तरजीहात यकसा होती हैं और इसी के मुताबिक उन्होंने सियासी ताकत हासिल कर ली, अब उसका इस्तेमाल वो कैसे कर लेता है। सियासी जमात अफराद के ऐसे इज्तिमा का नाम होता है जो रजाकारान तौर पर सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुतहद है। इसके लिए ये पॉइंट भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इसके लिए जो इज्तिमा मुनज़्ज़म तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा नाम बयान किया जाता है इसमें ये बात भी आ जाती है कि इसमें सबसे पहले इसकी जो पॉलिसी फार्मूलेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टी फार्मूलेशन एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटी होती है। सियासी ताकत इस्तेमाल करना फिर इसके साथ साथ सियासी ताकत मकासद हासिल करना फिर इसी के साथ साथ सियासी ताकत के बलबूते पर उसकी जो तरजीहात होती हैं और उसके जो सियासी मकासद के का हुसूल होता है यानी इसकी सियासी ताकत के मकासद के जो हुसूल की तरफ जो है ना हम क्या कर लेते हैं तक वो दो करते हैं हुसूल के लिए काम करना ये सबसे बुनियादी चीज होती है कि आपने तो सियासी ताकत इस्तेमाल कर दी उसी सियासी ताकत के बलबूते पर आप क्या कर लेते हैं उसी सियासी ताकत को आप इस्तेमाल में लाते हैं किन तरीकों से आप उसको इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं। सियासी शेरों के एक मनज़्ज़म ग्रोह का नाम जो अपनी राय दहिंदगी की कुव्वत से हुकूमत पर इख्तियार हासिल करें अपनी राय दहिंदगी की कुव्वत यानी अपनी राय दहिंदगी से मुराद ताकत का इस्तेमाल और फिर इसी के साथ साथ मुतहद तौर पर हुकूमत पर इख्तियार हासिल करना हुकूमत पर इख्तियार
ये शामिल हाल होता है, यानी क्या कह लेते हैं, अपनी राय दहिंदगी के जरिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की मौजूदगी में, और फिर इसके साथ साथ हुकूमत पर जो इख्तियार हासिल कर लेता है वो भी एक मेन फैक्टर होता है कि वो क्या कर लेते हैं, अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल वो किन तरीकों से कर लेता है। फिर इसमें ये बात भी काबिल जिक्र होती है कि एक अफरादी कुव्वत जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, जिनके आइन मंशूर और रजाकारों और क़यादत पर असास है, यानी सियासी जमातों के लिए सबसे जो बुनियादी तहवर बयान किया जाता है और जिस चीज़ पर इसकी असास होती है वो काबिल जिक्र इसमें ये है कि हर एक पार्टी का अपना एक आइन होता है, यानी अपना एक आइन के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अपने आइन के तहत वो अपने लीडर अपने सबॉर्डिनेट को मुनज़्ज़म तरीके से अपने साथ शामिल हाल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी सियासी जमातों के बलबूते पर ताकत का इस्तेमाल कर लें, उसके मकासद को हासिल कर लें और फिर किसी के हुसूल के लिए जद्दोजहद करें। और सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है इसमें राय दहिंदगी का इस्तेमाल होता है कि जो वो क्या कर लेते हैं, अपने एक्सप्रेशन को ज़ाहिर कर लें और इसी की बुनियाद पर वो ताकत का इस्तेमाल हासिल कर लें, और इसी ताकत के बलबूते पर ही इसकी जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं उसी को बुनियाद बनाकर वो हुकूमत पर इख्तियार हासिल कर लेता है। इसी में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है कि सियासी यानी पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती हैं सबसे पहले उसके लिए जिस चीज़ पर असास होती हैं, जिस चीज़ के लिए वो बुनियादी तौर पर काम करता है, सबसे पहले वो उसकी जो आइन होती है, यानी हर पार्टी की अपना एक आइन होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद करते हैं, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वही आइन के मुताबिक वो क्या कर लेते हैं, अपने लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से रखने की कोशिश करते हैं अपने वर्कर्स को, फिर असल में जो मुख्तलिफ तरीके से वो अपने मंशूर को उजागर करने की कोशिश करते हैं, मंशूर बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो इसके मंशूर होते हैं, हर एक पार्टी का अपना एक मंशूर होता है जो आवाम के सामने इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले वो रख लेते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो सियासी पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इसी के आइन इसी के मंशूर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी हर एक के अपने अपने जो मंशूर होते हैं, उसके जो आइन होते हैं, उसके जो पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बटू यानी पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हम बात करते हैं तो उसका एक मंशूर था, उसके जो आइन में जो बात शामिल थी, उन्होंने जो आइन या उसने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, जो मंशूर के मुताबिक वो काम कर रहे थे, उसका जो नारा था कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कोई भी बंदा वो इन तमाम जो बेसिक जो तीन बेसिक नीड्स हैं उससे महरूम न रह जाए। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ तौर पर फिर इसके साथ रजाकार होते हैं, यानी जो रजाकाराना तौर पर वो क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं और बिला मुआवजा अपनी सियासी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए अपने लीडर के साथ हर वक्त और हर मुश्किल हालात में खड़े रहते हैं, और उसी के मुताबिक वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म इज्तिमा की शक्ल में एक ऑर्गेनाइज फॉर्म की शक्ल में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यानी जो रजाकार होते हैं वो भी यानी जो रजाकार होते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं वो बगैर बिला मुआवजे के बगैर किसी तनख्वाह के काम करते हैं और अपने लीडर्स के अंडर सुपरविजन वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके के साथ उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके साथ साथ क़यादत पर असास होती है, और सबसे जो बुनियादी चीज़ इसकी होती है वो मेन फैक्टर इसका ये होता है कि इसका जो क़यादत होता है, इसकी जो क़यादत होती है या लीडरशिप होती है, क़यादत से मुराद हम लीडरशिप लेते हैं कि जिस पार्टी का लीडरशिप या जिस पार्टी की लीडरशिप मजबूत होती है वही पार्टी मुकम्मल तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर हावी आ जाती हैं, और फिर बाद में उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइंस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और फिर इसी के साथ साथ उसका जो मंशूर होता है, उसका जो चार्टर होता है, और फिर इसी के साथ साथ इसके जो वॉलंटियर्स, इसके साथ जो रजाकार तौर पर मुख्तलिफ बिला मुआवजा लोग काम करते हैं और इसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे लगाते हैं, और इसका जो बेसिक जो फाउंडेशन होती है वो उसकी जो लीडरशिप होती है, इसके जो लीडर्स होते हैं, जो सियासी पोलिटिकल लीडर्स होते हैं वो नुमाया किरदार अदा करते हैं और इसी के मुताबिक वो अपनी पार्टी की प्रमोशन करते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ पार्टीज को,
यानी रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी मुख्तलिफ तरीके से जब हमारे मुल्क में जब पार्टी आ जाती है और बरसरदार आ जाती है तो किन किन तरीकों से आ जाती है। तो सबसे पहले अपनी ही मुल्क की पार्टी का जिक्र कर लेते हैं कि इसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ कैसे वजूद में आई और किन किन तरीकों से वो अपने लिए सियासी मैदान में अपने लिए राह हमवार कर लेती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो रोल ऑफ पार्टीज जो होती है हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टियाँ हैं वो सबसे बुनियादी तौर पर इसलिए काम करती हैं और इसके लिए काम करती हैं जिस तरीके से सियासी जमातें जमहूरियत और सियासी निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा होती हैं। सबसे पहले इसके लिए सियासी जमातें होना जरूरी होता है। दूसरी बात इसके लिए यहाँ बयान किया जाता है कि इसके लिए सबसे जो दूसरी असास है वो सियासी निज़ाम का होना होता है, यानी सियासी निज़ाम की मौजूदगी में एक लाजमी हिस्सा इसके लिए करार दिया जाता है। इसके लिए सियासी निज़ाम जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो काबिल अमल होता है और इसी के मुताबिक हमारे यहाँ मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की पार्टियाँ सियासी निज़ाम में सियासी जमातें ही हरकत पैदा करती हैं। किसी भी जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातें बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देती हैं और हर सियासी जमात की कौमी मसाइल के बारे में अपना एक मखसूस अंदाज़ फिक्र या सोच होती है, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उस वो तमाम मसाइल को उजागर करने के लिए यानी मुल्क में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ जाते हैं उसको उजागर करने के लिए अवाम के सामने लाने के लिए और उसको हाईलाइट करने के लिए उस पर काम करते हैं और इसी के साथ साथ वो अपने मसाइल को यानी तमाम मुल्क के जो मसाइल होते हैं इर्द गिर्द के जो मसाइल होते हैं उसको सियासी पार्टियाँ हाईलाइट करने के साथ साथ दूसरों के सामने अवाम के सामने रख लेते हैं। हर सियासी जमात की कौमी मसाइल के बारे में एक मखसूस अंदाज फिक्र होता है, यानी हर एक पार्टी का अपना मसला यानी जो भी मसला वो उठाता है उसका अंदाज फिक्र अलग होता है, उसकी सोच होती है, कोई पार्टी किसी मसले को उजागर कर लेता है कोई पार्टी किसी मसले को उजागर कर लेता है। हर एक पार्टी के जो अंदाज फिक्र होती है उसकी सोच को फिक्र की जो सलाहियत होती है वो अलग होती है। एक पार्टी एक मसले को इतना लाइट हल्का लेती है लाइट ले लेती है, दूसरा ऐसी पार्टी आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में जो उस मसले को उस मामूली से मसले को बहुत इतना हाईलाइट कर लेते हैं कि उससे एक बड़ा इशू जो है ना बन जाते हैं और बहुत बड़े मसले बन जाता है और तमाम लोगों के सामने उसके लिए मंजूर नजर की जाती है। हर पार्टी में एक तहकीक के सिर होता है और इसी सिर की जिम्मेदारी होती है कि कोई मसाइल के बारे में मालूम जमा करे, यानी हर एक पार्टी की जो जितनी भी आइन होते हैं मंशूर होते हैं इसके जो वर्कर्स होते हैं उसी के साथ साथ इसमें एक तहकीक के सिर का होना जरूरी होता है, यानी हर एक पार्टी अपने एक तहकीक के सिर के तहत काम करती है। तहकीक के सिर का मतलब होता है कि हम क्या कर लेते हैं इसके लिए वो रिसर्च स्किल होती है, रिसर्च स्किल से मुराद हम ये लेते हैं कि जो भी मसला पैदा हो जाता है उनको कौमी सतह पर उजागर करने के लिए पार्टियां हरकत में आ जाती हैं और उनको आवाम के सामने पेश किया जाता है कि इन ये मसाइल है और इन मसले के हल के लिए हम कोशिशें करते हैं या कोशिश करनी चाहिए और फिर इसके साथ साथ इसके बारे में जो जमाशुदा मालूमात होती है यानी जो भी मसाइल होते हैं वो कौमी सतह पर उजागर कर लेते हैं और फिर इसी मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती है जो जमाशुदा मालूमात होती है कि मसला क्या है और किस नियत की बुनियाद पर है किन वजूहात पर मबनी है और उन वजूहात की बुनियाद पर उसके जो हल बताए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से उसको हाईलाइट करने के साथ साथ ये मसला भी हल करने की कोशिश करते हैं कि इस जमाशुदा मालूमात उस मसले के मुताबिक जो मसला पैदा हो चुका है वो रिलेवेंट है वो इररिलेवेंट है और इसी के साथ साथ जो उसके जो रीजंस होते हैं
के मसाइल की जो वजूहत क्या होती हैं और उस मसाइल की वजूहत के लिए जो हल और तदाबीर इख्तियार की जाती हैं वो अपनी सियासी जमात के बलबूते पर, वो सबसे पहले अपने आइन को, फिर इसके बाद अपने मंशूर को, और फिर इसके साथ अपने जो इसके जो रजाकार वर्कर होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर लीडरशिप, वो बतौर काम करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आम तरीन मसाइल में तहकीक से उन कोई मसाइल का मुमकिन हल अपने प्रोग्राम में मंशूर की शक्ल में पेश करता है। अब मसला पैदा हो गया तो मसले के दो रुख होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उन मसले को वो मंशूर की शक्ल देते हैं, यानी मंशूर में वो शामिल कर लेते हैं, मंशूर में शामिल कर लेते हैं कि मेरे मंशूर में या हमारे मंशूर में, हमारे पार्टी के मंशूर में ये बात आ जाती है कि उसके बुनियाद पर हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए वो उसको मुकम्मल तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ मंशूर की शक्ल में दूसरा प्रोग्राम की शक्ल में, ये इसके जो प्रोग्राम होते हैं, बाकी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हाईलाइट कर लेते हैं, मंशूर में उसको शामिल हाल कर लिया जाता है और फिर इसके बाद उसको मुख्तलिफ चैनलाइज तरीके से प्रोग्रामों की जीनत बना देते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उसको मुकम्मल तौर पर उजागर किया जाता है कि एक मुकम्मल तौर पर ये मसला है और उसके हल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर तहकीक स्केल के मुताबिक हम जमाशुदा मालूमात की बुनियाद पर हम इसकी वजूहात को समझकर उनके हल के लिए सरगर्मी अमल हैं और इसी के मुताबिक हम अपने मंशूर पर अमल पैरा हैं और उसको मुकम्मल तौर पर तमाम लोगों के सामने रख लेते हैं। फिर इसी के साथ साथ ये प्रोग्राम मुख्तलिफ तरीकों से आवाम में फैलाया जाता है, यानी जो प्रोग्राम जो मंशूर वो मुरतब कर लेते हैं मसले का हल निकालने के लिए कि अब इस मसले को आवाम के सामने रखेंगे कैसे, तो आवाम के सामने रखने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने लीडर, उसके रजाकार या उसकी जो मंशूर होती हैं, उसके जो आइन रूल्स रेगुलेशन होती हैं उसी के मुताबिक अपने आवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हरबे, मुख्तलिफ किस्म के तरीके, मुख्तलिफ किस्म के जो मेथड होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं और आवाम की नफसियात के मुताबिक वो उस पर एप्लीकेबल कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ताकि सियासी जमातों का प्रोग्राम उस वक्त अहमियत हासिल करता है जब किसी मुल्क में बहुत सारी जमातें हों और उसमें नज़रियाती इख्तलाफात होती हैं, ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि जिन ममालिक में यानी जिस मुल्क में जितने भी नज़रियाती तौर पर इख्तलाफी मसाइल के तौर पर मुख्तलिफ मजहबी तरीकों के तौर पर या इसमें जो जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं यानी इसी के मुताबिक मुल्क में जितनी सारी जमातें होती हैं उसी जमातों के बलबूते पर, यानी जिस मुल्क में जितनी सारी जमातें, जमातों से मुराद यानी सियासी जमातें होती हैं और जितनी सारी बहुत सारे नजरियाती इख्तिलाफात होते हैं उसी के बुनियाद पर उनमें मसाइल ज्यादा होते हैं और उसी की बुनियाद पर उसमें इख्तलाफात ज्यादा होते हैं और सियासी जलसों में या प्रोग्राम पार्टी बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। यानी जिस मुल्क में जितनी भी सारी जमातें होती हैं उन जमातों की तादाद जितनी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में बहुत सी पार्टियाँ जो है ना जो रजिस्टर्ड हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं वो काम करती हैं अपने पोलिटिकल सियासी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं और उसके बलबूते पर अपने आप को इख्तदार में लाने की कोशिश करते हैं, अपने मंशूर को उजागर कर लेते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन को दूसरे पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आवाम को अपनी तरफ रागब करने के लिए मुख्तलिफ हरब इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ साथ जितनी भी इसके इख्तलाफात होते हैं जो नज़रियाती तौर पर होते हैं, यानी इसमें जो नज़रियाती इख्तलाफात इसके होते हैं उसी के मुताबिक एक इंतहाई मुश्किल काम यह होता है कि इसकी तैयारी के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है उनके लिए तीन फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आपका मुतालिया कि आप मुतालिया यानी आपकी जो स्टडी इतनी होनी चाहिए
कि आप अपनी सियासी पार्टी को मनज़म तरीके से चलाने की बतौर लीडर, बतौर लीडरशिप आप क्या करते हैं, उसको रन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी इसके लिए है कि तहकीक होनी चाहिए कि आप में ये आपकी पार्टी में तहकीक होनी चाहिए। तहकीक का जो स्किल, जो रिसर्च स्किल होती है वो होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च यू हैव टू नो द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, द मेंटेलिटी ऑफ द सिटीजन फॉर द अट्रैक्शन टू जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच यू हैव टू रिलेट विद दैट वन। जिस पार्टी से आपका ताल्लुक होता है आपके साथ ऐसे मुतालिया होना चाहिए कि आप आवाम की नब्ज पर हाथ रखकर उसको अपनी तरफ राहिब कर सकें। दूसरी बात इसलिए कि आपके इदारे में, आपके पार्टी में, सियासी पार्टी में तहकीकी सेल होना चाहिए, रिसर्च सेल होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसर्च सेल यू हैव टू रिसर्च डिफरेंट काइंड ऑफ इशूज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच वट एवर दे हैव रिलेटेड अकॉर्डिंग टू योर नेशन, अकॉर्डिंग टू योर लोकल, अकॉर्डिंग टू योर वट एवर सो कॉल्ड, जिस चीज़ के भी रिलेटेड आपके जो मसाइल होते हैं, चाहे वो छोटे मसाइल हो चाहे वो बड़े मसाइल हो, उसी के बारे में वो रिसर्च कर लेते हैं और आवाम की नफसियात को समझने का बखूबी उसको दस्तरस हासिल हो, यानी जो नफसियात से वाकिफ होते हैं, ठीक है। जो जिन पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिन सियासी पार्टियों के तीन जो मेन एरियाज मजबूत होते हैं, उसी ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर वो अपने आप को एक मुनज़्ज़म पार्टी के तौर पर पेश करते हैं और अपने ये हुकूमत में मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसी के साथ साथ वो अपने आवाम को अपनी तरफ राहत करने की कोशिश बतौर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइन होते हैं, बतौर उसके रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए होते हैं, बतौर उसके जो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने मंशूर यानी चार्टर का हिस्सा बना चुका है, लोगों को बतौर रज़ाकारना तौर पर लोग उसमें काम करते हैं और उसको लोग आवाम को अपनी तरफ राहत करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ जो सियासी जमाती जैसे जुलूस व मुजाहरों, तकारीर, प्रिंट मीडिया और बयान वगैरह के ज़रिए आवाम में सियासी शुरू पैदा कर देते हैं, इससे मतलब ये लिया जाता है कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ होती हैं, यानी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का जो मुकम्मल काम होता है वो इस ये काम उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि वो सबसे पहले प्रोग्रामों को तरजीह देते हैं। प्रोग्रामों से मुराद वो सियासी जमातें होती हैं, जो प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए सियासी जमातें जैसे जुलूसों की शक्ल में, फिर इसके साथ साथ तकारीर सहारा लेते हैं, फिर इसके बाद इसका जो मेन फोकस होता है वो प्रिंट मीडिया पर होते हैं, फिर इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की तैयारी के लिए वो अपने आप को सरगर्म अमल रखते हैं और इसी के मुताबिक वो मुख्तलिफ किस्म के बयान, यानी जो जितनी भी इसके तकारीर जो होते हैं, जो बयान होते हैं, वो मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में उसको काबिल अमल लाते हैं और बयान करते हैं। इसके बारे में जो सियासी जमातें होती हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसमें वो जलसों का सहारा लेते हैं, अपने सामने मुख्तलिफ किस्म के तशाहिर के लिए आवाम को इकट्ठा कर दिया जाता है, जलसे का सहारा लेते हैं, और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं मुफ्ती में शमूल, जो फॉलोअर्स नहीं होते वो उसको सुनने के लिए आते हैं, जलसे जुलूसों में शिरकत कर लेते हैं और अपनी पार्टी का मंशूर तमाम लोगों के, तमाम आवाम के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम ये देंगे, उसको सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो तकारीर पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जितने जोश और तकरीर के साथ, उस जर्मजोशी के साथ वो अपने जैसे जुलूसों में तकारीर करते हैं, प्रिंट मीडिया का वो इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबिल अमल में देंगे, सोशल मीडिया उसकी जो होती हैं मुख्तलिफ किस्म के जो मेथड होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं, और जो बयान को करते हैं, जो तकरीर करते हैं वो अपनी ही सियासी पार्टी की मुनज़्ज़म आवाम के लिए वो क्या करते हैं, सबसे जो मेन मेहर इसका होता है इन तमाम का सियासी शूर बेदार करना।
जो सियासी शुरू होता है इसका मुकम्मल तौर पर वो क्या कर लेते हैं, आवाम में सियासी शुरू बेदार करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो सबसे पहले जलसे होते हैं, फिर उसके बाद जुलूसों का सहारा लेते हैं, फिर इसके साथ साथ तकारीर जितनी भी गर्म जोशी के साथ वो तकारीर कर लेते हैं लोगों को राहत करने के लिए, प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और फिर इसी के साथ साथ उसमें जो बयान उसकी जो स्पीचेस होते हैं तकारीर होते हैं, सबसे बुनियादी वजह और सबसे जो बुनियादी उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो आवाम में वो शऊर पैदा कर लें और उसको राहत कर लें कि वो अपनी इसकी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकें। इसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर आम लोगों को चूंकि सियासत और कोई मसाइल के बारे में इल्म नहीं होता, लेकिन लिहाजा उसके बारे में वो जमातों के जरिए कोई मामला और मसाइल के बारे में मालूम हासिल करते हैं, और सियासी जमातें मफादात की तश्कील जो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि हर एक पार्टी के अपने मफादात होते हैं। पहले लेक्चर में पहले इसी लेक्चर में हम पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बगैर किसी मफाद के कोई भी समझौता कोई भी बात जो है ना काबिल अमल नहीं होती। तो हर एक चीज़ की चाहे वो इंफरादी हो चाहे वो इज्तिमाई हो चाहे वो सियासी हो चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम मफाद को जब डिस्कस करते हैं तो इसकी जो पार्टीज की जो होती हैं मुल्कों की जो मफादात होते हैं वो अरब नीयत की बुनियाद पर होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की जो जितनी भी मफादात होती हैं वो इनके सियासी मफादात होते हैं, यानी जो सियासी मफादात इसके होते हैं यानी सियासी मफादात में वो अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसी मफादात को वो अपने मंशूर का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी के साथ साथ वही जो वो इससे कोई मसाइल के बारे में जब बताते हैं आम लोग चूँकि इस मसाइल के बारे में इलम नहीं होता, यानी जो कोई मसाइल उजागर होते हैं जो कोई मसाइल वो अब तमाम आवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं उसी के मुताबिक सियासी जो मफादात वो हासिल करते हैं, इसी के बारे में जो मफाद के जो इज्तिमाआत होते हैं यानी हर एक के अपने जो मफादात होते हैं सियासी मफादात के इज्तिमाआत मुनज़्ज़म तरीके से एक फ्री प्रोग्राम के जरिए वो क्या कर लेते हैं अपने मफादात को यानी उसकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होती हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ इसके जो मफादात में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सबसे पहले सियासी मवासलात होती हैं, इसके जो चैनलाइज तरीके से उसकी जो सियासी मवासलात होती हैं जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है लोगों से रबते रखना लोगों के साथ इंट्रैक्शन करना लोगों को अपनी तरफ राहिब करना और इसी के साथ साथ आवाम को अपनी तरफ राहिब करना मुख्तलिफ तरीक़ों के बुनियाद पर जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि सबसे बुनियादी तौर पर उनको सियासी शुरूर आवाम में बेदार करना, कौमी मसाइल छोटे मसाइल बड़े मसाइल की तरफ आवाम की तवज्जो दिलाना और उसके मसले पर मंजूर करना और फिर इसी के मुताबिक उसकी जो चुटके से उसकी जो सियासी मफादात होते हैं उसको काबिल अमल और इस्तेमाल में लाना शामिल हाल होती है। और फिर इसी के साथ साथ उसका जो बुनियादी मेहर बयान किया जाता है कि सबसे पहले इसका जो मेन मसला होता है और इसका जो मेन किरदार होता है वही होता है कि वो अपने सियासी मफादात तो चुपके से हासिल कर लेते हैं, आवाम को नहीं बताते कि हमारे ये मफादात होते हैं, लेकिन जब वो इख्तदार में आ जाते हैं इंतखाबात जीतने के बाद इख्तदार के ऐवानों तक पहुँच जाते हैं तो वो रफ्ता रफ्ता अपने सियासी मफादात के इज्तिमाआत यानी इसके जो मुकम्मल लीडर्स होते हैं इसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं जो इसके जो परख पर स्पेसिफिक बंदे होते हैं इसी के साथ साथ इसके मफादात आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने उस पर खुल जाते हैं और इसी कम्युनिकेशन यानी पॉलिटिकल मवासलात और कम्युनिकेशन के बलबूते पर जब वो अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये बुनियादी चीज़ होती है कि वो अपने आवाम को यानी तमाम आवाम को राहत करने के लिए सिर्फ सियासी शमूलियत इख्तियार करने के लिए राहत करते हैं, यानी इसका जो मेन फोकस होता है कि सियासी शमूलियत उसकी पार्टी में लोग शमूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लें ताकि इसकी पार्टी मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे स्मूथ तरीके से हमारी सतह की तरफ चल सके और इसी के मुताबिक वो अपने मुल्क के कौमी सतह पर या मकामी सतह पर एक बड़ी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर सके। इसी के साथ साथ सियासी जमातें अवामी ख्वाहिशात और मफादात की तर्जुमान होती हैं, इसका ये मतलब भी लिया जाता है कि जितनी भी सियासी जमातें होती हैं इसी के तो अपने अपने मफादात होते हैं लेकिन इसमें से जो ऐसे पार्टीज में जो इसके जो लीडर्स होते हैं
भी उस पर डिपेंड करता है कि किस नियत के बुनियाद पर वो अवामी ख्वाहिशात और उसकी मफादात की तर्जुमानी कर दी है। यानी अवामी ख्वाहिशात से मुराद ये लिया जाता है कि बहुत से ऐसे कम पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज में कि जो अवाम की उमंगों का ख्याल रखते हैं और अवाम के उमंगों पर मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से उनके मायार पर पूरा उतरते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें से ही हुकूमती इदारों और मजाज हुकाम तक अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार देती हैं। ये अवामी ख्वाहिशात से मुराद ये लिया जाता है कि हुकूमत के दरमियान और फिर इसके साथ अवाम के दरमियान जो पुल का किरदार अदा करते हैं वो सियासी लीडर होते हैं। यानी आपके जो नुमाइंदे होते हैं हम क्या कर लेते हैं उसको जो सियासी लीडर होते हैं हुकूमत के दरमियान, ये पहले आम आवाम होते हैं, हम उसको नॉमिनेट कर लेते हैं, उम्मीदवार बनाकर मुख्तलिफ तरीके से पार्टी उसको टिकट दे देती है और इसी के मुताबिक वो पार्टी में मशहूर हो जाता है, एज ए कैंडिडेट वो इलेक्शन जीत जाता है, वो मुकम्मल तौर पर अपने हुकूमत का हिस्सा अपने हुकूमत में हिस्सा डालने के लिए वो आवाम से खवास में आ जाता है और एक पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पर वो एक पॉलिटिकल लीडर्स बन जाता है और इसी की बुनियाद पर वो हुकूमत के दरमियान और आवाम के दरमियान एक रबता यानी पुल का किरदार अदा कर लेता है। तो अवामी ख्वाहिशात का मतलब ये लिया जाता है कि जो सियासी लीडर होता है वो आवाम की बात हुकूमत तक और हुकूमत की बात आवाम तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा कर लेता है। इसी के साथ साथ सियासी जमात एक इंतहाई मुनज़्ज़म ग्रोह होता है जो फिशाई और मफादाती ग्रोहों से ज़्यादा मौसर अंदाज में अवामी मफादात की तर्जुमानी और महाफिज होती हैं। इसका ये मतलब भी लिया जाता है कि जमात ही हुकूमत पर दबाव डाले और मखसूस मफादात तो हुकूमत तक पहुँचाने का सबसे अहम जरिया होता है। कहने का मतलब ये है कि ये सियासी जमात इक़्तदार तक जब पहुँचने की कोशिश करते हैं तो इस मकसद के लिए कि वो कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं, वो रास्ता है इंतखाबात का रास्ता। यानी जो अवाम होते हैं और जो हुकूमत होती है उनको जो फोक फ्लिच के तरीके पर जब उसको जो रास्ता दिया जाता है तो सबसे पहले वो रास्ता होता है इलेक्शन का यानी इंतखाबात का जो होता है। हम जिस तरह पहले बयान कर चुका हूँ कि सियासी लीडर तब बनते हैं कि कोई पार्टी उसको टिकट दे या वो आज़ाद हैसियत की बुनियाद पर वो मुंतखब हो जाता है, इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है और फिर इसी इंतखाबात के जरिए टू प्रॉपर चैनल वो मुकम्मल तौर पर वो एक बतौर कैंडिडेट उम्मीदवार की हैसियत से वो इंतखाबात जीत जाता है और फिर वो ऐवान तक पहुँच जाता है और फिर अपने आवाम की ख्वाहिशात की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ ये इंतखाबात का रास्ता सियासी जमात के अहम इंतखाबात के लिए एक उम्मीदवार नामजद करती है। जो उम्मीदवार उसकी होती है ये उम्मीदवार आवाम से लिया जाता है और उसी उम्मीदवार के बलबूते पर वो इंतखाबात को हतमी तरीके से मुकम्मल तौर पर एक इंतखाबी मुहिम चलाती है और इंतखाबी मुहिम के दौरान जब वो इंतखाबी मुहिम चलाती है तो फिर अपने लिए वर्कर्स का इंतखाब अपने लिए आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए वो तगदो करता है, दिन रात मेहनत कर लेता है और इसके अपने मफादात अलग साइड पर, मुल्की मफादात अलग साइड पर और इसके जो सियासी मफादात उसके जो पार्टी के मफादात होते हैं वो अलग नीयत की बुनियाद पर होते हैं। मुख्तसर तौर पर हम इसको मुकम्मल तौर पर उसको हम वाइंड अप कर लेते हैं इस टॉपिक को कि जितनी भी अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो लीडर होते हैं तो सबसे जो बुनियादी टू समराइज दिस वन के इंतखाबात के जरिए जब हम लीडर्स इंतखाबात के जरिए उम्मीदवार बनकर आ जाते हैं तो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी पार्टी के लिए सियासी पार्टी के लिए वो एक नामिनेट की बंदे की हैसियत के मुताबिक वो तक दो कर लेता है और अपनी पार्टी में और अपने तमाम मुल्क में हुकूमत में हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। तो यही वो मुख्तलिफ किस्म के जो तरीके हैं और जो हम पॉलिटिकल और सियासी जमातों में हम बढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ यानी जो इंतखाबी बाद में अवामी सियासी जमातों को उनकी मर्जी के मुताबिक जब चलाया जाता है तो उनको अख्तियार भी देते हैं जिसे आम इख्तलाहात में मैंडेट का नाम दिया जाता है। यानी मुकम्मल तौर पर सियासी जमातें दो तरफा किरदार अदा करती हैं, अवाम के दरमियान से भी और अवाम की तरफ से भी, हुकूमत के दरमियान और हुकूमत की तरफ से भी। तो ये मुकम्मल तौर पर मुल्क की तरक्की में मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन तरीके से किरदार अदा करते हैं।
और जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की पॉलिसियां और सरगर्मियां आवाम तक पहुंचाती हैं, यानी हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं हुकूमत की तरफ से आवाम को बाखबर रखा जाता है, आवाम की तरफ से जो जितने मसाइल होते हैं वो हुकूमत को बाखबर रखा जाता है, किसी भी तरीके से चैनलाइज तरीके से अपनी सियासी पार्टी को मनज़म तरीके से और अपनी मुल्क की तरक्की को बरकरार रखने के लिए वो जारी कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो नुमाइंदगी इसकी कोई सियासत में जो नुमाइंदगी नहीं होगी तो इनके मसाइल हल नहीं होते, और इसी हालात में छोटी नुमाइंदा नस्लें जो मुकम्मल तौर पर होती हैं वो प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं और अपने मसाइल इसी प्लेटफॉर्म से हल करने की कोशिश करते हैं, और बल आखिर इस सियासी जमाते में तब्दील होते हैं जो फिर इन कौमियतों के मसाइल को अंदाज और मुसर तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ये जो हमारा जो आज का टॉपिक था सियासी जमाते मुकम्मल तौर पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे, हमारा ये टॉपिक होगा इसमें हम पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज होंगी, चाहे वो पीपल पार्टी हैं, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हैं, चाहे वो जितनी भी मशहूर पार्टीज हैं, हम इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।